22 लॉ कमीशन्स ने क्या किया, रिकमेंडेशंस मांगी है और विद इन 30 डेज वो उसने सबसे रिकमेंडेशंस मांगी है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि पार्लियामेंट ही इस चीज को करे, पार्लियामेंट के पास ही पावर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विल द आईएएस एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस। अब हम बात करें लॉ कमीशन की, तो लॉ कमीशन ने 2018 में 21 लॉ कमीशन्स की ये रिपोर्ट है, उसमें लॉ कमीशन कहता है कि ना ही इसकी नेसेसिटी है ना ही ये डिजायरेबल है इस स्टेज पे, और ये कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा नेशनल हार्मोनिक में। ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं ये जो इंडिया के अंदर जो एक हार्मोनी बैठी हुई है, ये कहीं ना कहीं इसको कंफ्लिक्ट कर देगा। यहाँ लॉ कमीशन ये भी रिकमेंड करता है कि आपको जो रिफॉर्म करना है पर्सनल लॉज में, इसको कैसे करना चाहिए, तो इसको अमेंड करके करना चाहिए, ना कि रिप्लेस करके करना चाहिए। जो आज की जो डिबेट है वो इसी लाइन पे खड़ी है कि जब लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन आती है 21 लॉ कमीशन की, और वो ये कहता है कि रिप्लेस नहीं करना, अमेंड करने की नीड है, तो आप कैसे रिप्लेस करेंगे। अभी इस डिबेट को आगे और देखेंगे। 22 लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन आई हुई है। इसके पहले देखें, जनवरी में कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट टू एस्टैब्लिश कमिटी टू एग्जामिन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी। उत्तराखंड सरकार ने एक कमेटी बनाई यूसीसी के लिए और इसको चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहां हम स्टेट की पावर को हम मिनिमाइज नहीं करेंगे और स्टेट के पास ये पावर है कि वो यूसीसी के एग्जामिन के लिए कमेटी बनाए। और यहीं से ये साल की जो डिबेट है यूसीसी को लेके, वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई। तो ये अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग बातें, लेकिन क्या बातें यहां रुक जाएंगी? नहीं, अगर हमको सबको अगर समेटना हो, सुप्रीम कोर्ट की बात को भी देखना हो, लॉ कमीशन की बात को देखना हो। अब 22 लॉ कमीशन ने क्या किया, रिकमेंडेशन मांगी है और विद इन 30 डेज वो उसने सबसे रिकमेंडेशन मांगी है कि 30 डेज में आप अपनी रिकमेंडेशन दीजिए कि किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसमें क्या क्या आपके डायमेंशन हो सकते हैं। ये दोनों बातें कहां पहुंचेंगी, पार्लियामेंट में। बार बार मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि पार्लियामेंट ही इस चीज को करे, पार्लियामेंट के पास ही पावर है, तो यहां ये बात पार्लियामेंट पे जाएगी। लेकिन पार्लियामेंट को कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो अब ये ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट के बाद उसमें सजेशंस आएंगे, जो सजेशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग जो फिर उस पर डिबेट होगी, डिबेट के बाद जब फाइनल बिल आएगा, फाइनल बिल में फिर वो पास होगा, दोनों हाउसेस से पास होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर वो इंडिया में लगेगा। वे फॉरवर्ड के कॉन्सेप्ट में अगर आपसे पूछा जाए, तो आप कह सकते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस की जरूरत है कि सबको किसी के किसी ऐसे एंगल को ना टच कर दिया जाए, किसी रिलीजन के या किसी माइनॉरिटी के, कि उससे कहीं ना कहीं उनके अंदर एक निगेटिविटी आए, वो कहीं कहीं इस तरीके से थॉट में आ जाए कि उससे इंडिया की जो पीस है, हार्मोनी है, वो कहीं मेंटेन ना हो पाए। और दूसरा, ब्रिक टू ब्रिक्स अप्रोच का कॉन्सेप्ट कहता है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लेके आइए और उसके बाद फिर वहाँ इम्प्लीमेंट करिए, अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग तरीके से पहले इम्प्लीमेंट कर लीजिए, जब वो पूरा हो जाता है तो फिर इंडिया, पैन इंडिया, उस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है और इस तरीके से आप यूसीसी को देख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं यूसीसी को, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हमें भी पता चले कि आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस तरीके से है। हाँ, लेकिन एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट और एक गुड सिविलियन होने के नाते, गुड सिटीजन होने के नाते, आप अपने रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू को रखिए, ना ही किसी तरीके के बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।